साथियों, आज 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। आज जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे इस वीडियो में साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर से पहले ये वीडियो पूरा देख लेना ही है, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। साथियों, अभी आप सभी ने सुना होगा कि भारत के मशहूर उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का निधन हो गया, ठीक है। और उनके निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा नोएल टाटा जी को। ये हैं नोएल टाटा और ये हैं रतन टाटा। तो रतन टाटा जी के निधन के बाद नोएल टाटा को जो है टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नोएल टाटा। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व, यानी बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कैमूर में। अभी हाल ही में बिहार के कैमूर में जो है ना, कैमूर जिले में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है, तो याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली के साथ। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा आईआईटी दिल्ली। आगे देखिए, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो भाई टेनिस के स्टार प्लेयर कौन है, राफेल नडाल, जिन्होंने अभी प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, याद रखना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल ने। आगे देखिएगा, साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया गया, वह किस देश की हैं। ये जिनका फोटो आप देख पा रहे हैं ना, इनका नाम है हांगकांग और ये साथियों दक्षिण कोरिया की हैं, याद रखना। इनको 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया की हैं ये। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो भाई देखिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया जाएगा, याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ पर किया, याद रखिएगा मुंबई में। राइट है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला है, 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो साथियों देखिए, 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ पर किया जाएगा, याद रखिएगा लाओस में। राइट है ऑप्शन नंबर बी, लाओस। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की जो स्थापना है वो भाई किस राज्य में की जाएगी, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला है, एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता। तो याद रखिएगा, एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक जो है वो भारत ने जीता है साथियों, याद रखिएगा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। अब देखिए, साल 2024 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन शास्त्र के क्षेत्र में कुल 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, ठीक है। और तीनों का फोटो आप यहां देख पा रहे हैं, तीनों का नाम मैं यहां पर बता देता हूं। तीनों में से एक आपके डेविड बेकर हैं, ठीक है। देखिए, यह अवार्ड आधा डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को दिया गया है। इन्होंने प्रोटीन साइंस
के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, याद रखना, ठीक है। अगला है, किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भाई फ्रांस में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए करेक्ट आएगा संजीव कुमार सिंगला। संजीव कुमार सिंगला जो हैं ये फ्रांस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस वर्ष यानी 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भाई 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन को दिया गया है, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं दोनों का, ठीक है। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 9 अक्टूबर को। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगला है, नेस्ले इंडिया के नए MD के रूप में किसे चुना गया है? तो भाई नेस्ले इंडिया के नए MD के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा मनीष तिवारी जी को, राइट है ऑप्शन नंबर सी मनीष तिवारी। किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो देखिए श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो याद रखिए सनत जयसूर्या जी को, राइट है ऑप्शन नंबर सी सनत जयसूर्या। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकून को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट है MIRNA की खोज के लिए, यानी माइक्रो RNA की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो भाई छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत असम राज्य सरकार ने की है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा असम। अगला है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में अपना दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राइट है दिव्यांशी ने, राइट है ऑप्शन नंबर बी दिव्यांशी। अगला है, आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया? तो भाई आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो वेबसाइट और ऐप ये किसने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, राइट है ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ। BCCI ने किसे अपना एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई BCCI ने, याद रखना, BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो शरद कुमार जी को, राइट है ऑप्शन नंबर ए शरद कुमार। PM मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? याद रखिएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो रवि आहूजा को अभी हाल ही में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का नया CEO नियुक्त किया है, याद रखना। अगला है, SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो याद रखिए करेक्ट है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, राइट है ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर एयरलाइंस। अगला है, IL&FS ग्रुप ने हाल ही में किसे नया CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो IL&FS ग्रुप ने हाल ही में किसे नया CMD नियुक्त किया है? तो याद रखिए नंद किशोर जी को, राइट है ऑप्शन नंबर सी नंद किशोर। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो क्रूज भारत मिशन, राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो भाई एक्सरसाइज काजिंद जो है हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो कजाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो भाई वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? याद रखिएगा दुबई में, राइट है ऑप्शन नंबर बी दुबई UAE।
पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जो है झारखंड राज्य में की। अभी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, झारखंड। अभी झारखंड और महाराष्ट्र के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना झारखंड और महाराष्ट्र में। आगे देखो, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भाई दिव्यांशी ने। अगला है, पीएम मोदी ने हाल ही में, ठीक है, पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो भाई अभी हाल ही में मोदी जी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा असम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, असम। नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की? तो भाई नीति आयोग ने अभी हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत जो है वो किस राज्य के साथ की? तो याद रखना, तेलंगाना के साथ। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना करेक्ट है। रामायण में विजयादशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? तो भाई रामायण में विजयादशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? तो याद रखिए, भगवान राम द्वारा रावण की पराजय का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, विजया। देखिए, विजयादशमी पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्यौहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? तो भाई विजयादशमी जो है पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्यौहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? तो याद रखिए, दुर्गा पूजा के समापन के रूप में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा पूजा। साथियों, आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे और इस बार सभी का सिलेक्शन बिल्कुल जल्दी से हो जाए। अगला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया? तो देखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी हाल ही में भारत के 14वें महारत्न कंपनियों के लिस्ट में शामिल हुआ या अपग्रेड हुआ। तो करेक्ट आएगा महारत्न, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है साथियों, याद रखना, प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? तो 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम है निहोन, देखिए निहोन हिडान्क्यू, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। ये जो समूह है साथियों या संगठन है, इन्होंने जो है ना जिस वक्त जापान में जो परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी में, उसमें जो है ना अहम योगदान दिया था। रतन टाटा को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, रतन टाटा को उनकी इनमें से किस भूमिका के लिए जाना जाता है? तो भाई रतन टाटा जो है भारत के एक प्रमुख उद्योगपति थे। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योगपति। अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो राइट आएगा ट्रेकोमा बीमारी को, ट्रेकोमा जो कि आंख को प्रभावित करती है। अगला है, अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया? तो भाई अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया? तो ऑप्शन नंबर बी, समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहां मनाया गया? तो करेक्ट आएगा चेन्नई के ताम्बरम वायुसेना स्टेशन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुई? तो राइट है, भारतीय जनता पार्टी को, यानी भाजपा को। अगला है, 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस संगठन ने जीत हासिल की? तो राइट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट है विक्टर, देखिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों दोनों का, ठीक है। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? तो भाई अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर थे साथियों एम राजेश्वर राव, इनका कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो राइट है एम राजेश्वर राव, ऑप्शन नंबर बी। 2024 ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? याद रखिएगा भारत। भारत की बात करें तो भारत ने कुल मिला के जो है 24 पदक जीते और इन 24 में से 13 गोल्ड मेडल थे, 3 रजत और 8 कांस्य पदक रहे।
स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो भाई उसका नाम है साथियों बसोराज, याद रखना बसोराज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया, तो राइट आएगा देखिए पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, तो राइट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी खाद तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम रखा गया, तो राइट है वातावरण, ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो राइट आएगा संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट है मराठी पाली प्राकृत असमिया और बंगाली भाषा को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे, तो देखिए जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे, तो राइट आएगा 16 देश, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भाई पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है, आरबीआई के गवर्नर जो कि अभी वर्तमान में शशिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है, तो भाई स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्थ राकेश माने ने। अगला है 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की, तो भाई 1 अक्टूबर 2024 को नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है, तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है, याद रखिएगा मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखना। सितंबर 2024 को सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, याद रखिए 39वां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क का आपके लिए है, इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर 27 सितंबर 5 अक्टूबर या 15 नवंबर को, यह होमवर्क का क्वेश्चन है आज का आपका, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको कराए, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एक लाइक करना, अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।